इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे की खबर आ रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। तो ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा, ये आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। और जी न्यूज आपको तस्वीर भी दिखा रहा है, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेन हादसे के बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ है, कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की शिकार हुई है। और अभी और जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे कि यह हादसा कैसे हुआ, कितना नुकसान इस हादसे की वजह से हुआ है, मालगाड़ी से टक्कर के बाद हादसा। देखिए जानकारी सामने आ गई है, कई यात्रियों के घायल होने की खबर आ रही है इस हादसे में। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है और कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। पूजा मेहता मेरी सहयोगी जुड़ गई है। पूजा, और क्या कुछ जानकारी इस पर? देखिए मल्लिका, आपको बता दें बेहद आ रही है, ट्रेन नंबर है 12841 अप शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। आज शालीमार स्टेशन से करीब 3:15 पर जो है ये ट्रेन खुलती है। उसके बाद करीब करीब 6:30 जो है बालासोर स्टेशन क्रॉस करने के बाद ही इलाका कहा जा रहा है बहारंगा स्टेशन, और इसी जगह पर जो है एक दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। हालांकि अभी तक जो है ये नहीं साफ किया गया है रेलवे की तरफ से कि ये कोई गुड्स ट्रेन थी या फिर कोई पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन जो कहा जा रहा है कि करीब करीब जो है 15 से 16 डिब्बे जो है वो डीरेल हुए हैं, और फिलहाल जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जो आसपास गांव के जो लोग हैं वो फिलहाल वहां पर पहुंचे हैं रेस्क्यू और रिलीज के लिए, क्योंकि कई ऐसे पैसेंजर्स हैं, यात्री हैं, जो अभी आशंका जताई जा रही है कि अंदर फंसे हैं, इसलिए जो है उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, ओडिशा के जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का डिपार्टमेंट है, वहां से जो ऑफिशियल्स है वहां स्पॉट पर भेजे गए हैं ताकि गैस कटर्स की मदद से जो है वो फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाल सके। लेकिन आपको बता दें, आज ये समय करीब 6:30 का था, एकदम से जो है अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और ये ट्रेन जो है शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस एक और ट्रेन से टकराती है। हालांकि ये नहीं साफ किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से कि ये ट्रेन जिस ट्रेन से टकराई है वो एक गुड्स ट्रेन थी या फिर पैसेंजर ट्रेन थी। अगर पैसेंजर ट्रेन होती है तो जो है आशंका ये लगाई जा सकती है कि डेथ टोल जो है हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी के भी मरने की खबर सामने नहीं आई है। और जो फंसे यात्री है उन्हें फिलहाल निकालने की जो है कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन वहां पे चलाया जा रहा है, और न सिर्फ वहां पे स्थानीय लोग लेकिन जो इमरजेंसी है एंड फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो लोग हैं ओडिशा के वो वहां पर पहुंचे हैं फिलहाल। और पूजा, रेस्क्यू में कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि ये टक्कर इतनी भीषण थी कि 18 कोच पटरी से, और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनकी अच्छी खासी संख्या है। बिल्कुल, आपको बता दें बेहद खचाखच भरी हुई ये शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है बहारंगा स्टेशन जो बालासोर में पड़ता है वहां पर एक ट्रेन से टकराती है। और जैसा कि आप भी बता रही थी कि इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था और एकदम तफरी का माहौल होता है जब ये ट्रेन जो है टकराती है, और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट हुई वहां पर कहा जा रहा है, अभी फिलहाल जो इनिशियल इंफॉर्मेशन दी जा रही है रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से उसमें कहा जा रहा है कि 15 से 16 डब्बे हैं जिन आइडेंटिफाई किया गया है जो फिलहाल डीरेल हुए हैं। लेकिन मल्लिका मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चैलेंजिंग होने वाले हैं क्योंकि रात का समय है, अंधेरा है, दिन के वक्त होता तो शायद जो है कुछ मदद मिल पाती उन लोगों को जो टीम्स वहां पर मौजूद है और जो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन रात होने की वजह से अंधेरे में जो है ये पूरा रेस्क्यू वहां पर चलाया जाएगा, लिहाजा जो है काफी चैलेंजिंग होने वाला है ये पूरा ऑपरेशन। बिल्कुल पूजा, और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। एग्जैक्ट लोकेशन पूजा क्या है, क्योंकि अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन के बीच चलती है जहां ये हादसा हुआ, ये इस लोकेशन के बारे में आप बताइए, आसपास क्या इलाके हैं? बिल्कुल, आपको बता दें ये ट्रेन है जिसका नंबर हम आपको बताते हैं ताकि लोगों को जो है आसानी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये है 12841 अप शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस। और जैसा कि आप भी बता रही थी वो पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन से चेन्नई जाती है। तो आज करीब 3:15 पर जो है ये ट्रेन जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है
वो शालीमार स्टेशन से खुलती है और करीब करीब जो है 6:30 बजे का समय था ये बालासोर पहुंचती है। और ये जो जगह है जहां पर ये कोरोमंडल डीरेल हुई है, कुछ बोगियां जहां पे डीरेल हुई है, इस इलाके का नाम जो है बहानंगा स्टेशन कहा जा रहा है। और वही पर जो है वहां पर कहा जा रहा है, ताकि आपको बता दें कि कुछ ये इलाका जो है कहा जा रहा है बहानंगा स्टेशन, और वहीं पर ये एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल पूजा, क्योंकि ये बहुत जरूरी जानकारी है, जिनके अपने इस हादसे का शिकार हुए हो सकते हैं उनको इस जानकारी से काफी मदद मिलेगी। इस हादसे में कितना नुकसान हुआ है इसकी फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी तो सामने नहीं आई है अभी पूजा, इंतजार करना होगा। बिल्कुल, अभी तक जो है औपचारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया है रेलवे मिनिस्ट्री की ओर से, लेकिन अभी तक की इंफॉर्मेशन जो शेयर की गई है उसमें ये कहा गया है कि लगभग जो है 10 से 12 लोगों को जो यात्री अंदर फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया है, जो इंजर्ड है उन्हें फिलहाल जो है अस्पताल पहुंचाया गया है। बिल्कुल, जैसे जैसे देखिए अब रात हो रही है, ऐसे में इस टाइम पर लग रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़ा मुश्किल होगा, चुनौतियां होंगी उसमें भी काफी। बिल्कुल, बेहद चुनौती भरा ये रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, क्योंकि रात के समय में क्योंकि चुपके अंधेरा है तो जो है आर्टिफिशियल लाइट के इस्तेमाल के साथ जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एक और इंफॉर्मेशन जो सामने आई है कि रेस्क्यू टीम्स को इस मौके के लिए जो है रवाना कर दिया गया है, और बालासोर के जो कलेक्टर है वो भी वहां पर पहुंचे हैं और पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी देखरेख वो कर रहे हैं। और साथ ही जो आपको बता दें कि अन्य टीम्स जो आसपास के जिले में है उन्हें भी फिलहाल उस मौके के लिए जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, और किसी तरह क्या का कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से? देखिए अभी तक तो प्रशासन की ओर से कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं जारी किया गया है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, ताकि जो यात्रियों के जो परिवार और जो फिलहाल चिंता कर रहे हैं वो इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए जो है अपने परिवार के लोग जो ट्रैवल कर रहे थे उनका पता वो लगा सकते हैं। अब से थोड़ी देर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी। बिल्कुल, और तस्वीरें भी पूजा हम देख पा रहे हैं, और जैसा कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि अंधेरा है और लोग अपने मोबाइल की रोशनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जाहिर तौर पर रेस्क्यू में ऐसी स्थिति में वक्त ज्यादा भी लग सकता है। एब्सोल्युटली, जैसा कि आप कह रही थी कि समय काफी ज्यादा लगेगा क्योंकि ये इलाका जो है वो शहरी इलाके से काफी दूर है, लिहाजा अलग अलग जगहों से टीम को मौके के लिए रवाना किया जा रहा है। जो लोग या जो टीम बालासोर में मौजूद है उन्हें फिलहाल भेजा जा रहा है, और चूंकि यहाँ पर यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा है और जो कहा जा रहा है कि 15 से 16 डिब्बे जो है वो डिग्रेल हुए हैं, लिहाजा यहाँ पर कई ऐसी टीम्स मौजूद करनी होगी जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चलाएंगे। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि ओडिशा के इमरजेंसी और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट के जो रेस्क्यू में जो लोग शामिल होते हैं उन्हें फिलहाल रवाना किया गया है, और वो गैस कटर्स को लेकर जो है मौके के लिए निकल चुके हैं ताकि जिन यात्रियों को वहां पर फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके, क्योंकि वहां पर स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, वो भी उन लोगों की मदद कर रहे हैं कि ताकि फंसे हुए यात्री को बाहर निकाला जा सके। लेकिन जो यात्री क्रिटिकल जगहों पर फंसे होंगे उनके लिए गैस कटर्स की मदद ली जाएगी और उनकी मदद से जो है उन्हें बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल पूजा, और जाहिर तौर पर जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही हैं तो ये समझा जा सकता है कि ये भीषण हादसा हुआ है, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। लेकिन चिंता की बात अब ये है कि जिन लोगों को बचाया जा रहा है उन्हें कहाँ पर ले जाया जाएगा, पूजा इसके बारे में क्या कोई जानकारी, क्योंकि जल्द से जल्द लोगों को इलाज मुहैया कराना भी बहुत ज़रूरी है ऐसी स्थिति में। बिल्कुल, अभी तक हालांकि कोई स्पेसिफिक अस्पताल का जो है मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जैसे जैसे यात्रियों को बाहर निकाला जाएगा जो आसपास के अस्पताल है उन सारी जगहों पर जो है भेजा जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो बालासोर के कलेक्टर है वो वहां पर पहुंचे हैं और अन्य टीम जो है वो रवाना हो चुकी है ताकि बहानगा जो रेलवे स्टेशन है वहां पर वो पहुंचकर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन।
बिल्कुल पूजा, मैं लौटूंगी आपके पास और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है। कोरमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है, पटरी से कई बोगियां उतरी, भीषण हादसा हुआ, मालगाड़ी से टक्कर के बाद ये हादसा हुआ है और फंसे हुए लोगों को बचाने की लगातार वहां पर कोशिश हो रही है। रात में अंधेरे की वजह से भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, जो ये पूरा रेस्क्यू का काम है वो धीमा पड़ रहा है, लेकिन लगातार वहां पर जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी जुटे हुए हैं, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही है, तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल जानकारी ये भी है कि डिब्बों में भारी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोग ही जुट गए हैं। ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन के बीच चलती है और बताया जा रहा है कि आज शाम को कोरमंडल एक्सप्रेस ट्रेन ओडिशा के बालासोर के आसपास किसी मालगाड़ी से टकरा गई। पूजा, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अभी सिर्फ तस्वीरें और कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि लोगों ने ये वीडियोस अपने मोबाइल से ही शूट की हैं। कितना वक्त और लगेगा पूरी जानकारी सामने आने में, पूरी तरह से तस्वीर साफ होने में? एक बार फिर से मेरी सहयोगी पूजा के पास हम चलेंगे, उनसे और जानकारी इस हादसे से जुड़ी जानेंगे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको जी न्यूज पर लगातार दिखा रहे हैं। ओडिशा बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ है, मालगाड़ी से एक्सप्रेस ट्रेन टकराने की वजह से यह हादसा हुआ है, कई यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। कोरमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है और बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त भारी संख्या में डिब्बों में यात्री मौजूद थे और अभी भी बहुत से लोग फंसे होंगे और उन्हें बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो आसपास लोग रहते हैं, जब हादसे की जानकारी मिली स्थानीय लोग ही वहां पर पहुंचे और एक दूसरे की मदद करते हुए, यहां पर आपको इस तस्वीर में भी आप देखिए आपको लोग नजर आ रहे होंगे, बचाने के लिए स्थानीय लोग ही जुट गए हैं, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स के पहुंचने में भी वक्त लगा, लेकिन अभी रेस्क्यू का काम वहां पर चल रहा है। अब एक और जानकारियां सामने आना बाकी है कि जो इस हादसे में घायल हुए होंगे उन्हें कौन से अस्पताल ले जाया जाएगा, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, ये तमाम जानकारियां हैं जो अभी कुछ देर बाद सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बीच जैसे जैसे तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी सामने आ रही है, जी न्यूज वो तस्वीरें आपके सामने रख रहा है ताकि आप समझ सकें कि वहां पर स्थिति इस वक्त क्या है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कोरमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है, कई यात्रियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, ओडिशा बालासोर में ये ट्रेन हादसा हुआ है। और ये देखिए जैसे जैसे नई नई तस्वीरें सामने आ रही है, ये देखिए एक और तस्वीर सामने आई है, किस तरह से देखिए लोगों को जो फंसे हुए हैं उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है, लोग एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं और स्थानीय लोग भी रेस्क्यू में जुट गए हैं, जिस तरह से भी हो सके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और जैसा कि हम बार बार आपके सामने ये जिक्र कर रहे हैं कि क्योंकि रात का वक्त है, अंधेरा है, ऐसे में रेस्क्यू का काम मुश्किल हो जाता है, धीमा हो जाता है, क्योंकि नेचुरल लाइट वहाँ पर नहीं है, रोशनी का इंतज़ाम करना होगा, उसके बाद जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला वहाँ से जा सकेगा।